अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। ये देखिए आप, मेरे पीछे बारिश लगी हुई है हम तेज़ हवाओं के साथ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। ये देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है हवा के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ, जिन्होंने अभी भी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं और मेरे साथ रहेगा। तो ये देखें लवली व्यूअर्स, ये मौसम कैसा ज़बरदस्त हो रहा है, तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश हो रही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भैया, हेलो, मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश आ रहा है। ये देखो, ये अभी जहाँ पे अभी हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे जो है उस घर में पहला ये बारिश का स्पेल है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशगवार मौसम हुआ हुआ है। तो अभी जो है थोड़ी सी जो है बारिश हल्की हो गई, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी हवा के साथ, हवा भी अभी रुक गई है, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। गर्मी थी बहुत, हद थी वो ख़त्म हो गई है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, मौसम देखें कैसा हो रहा है, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। ये नाबिया है देखो, हेलो लवली व्यूअर्स, ये देखें क्या हाल हुआ है, हर जगह पानी पानी, पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज सुबह उठते ही जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखें। ये नाबिया हेलो कर दो, ये नाबिया मेरे साथ है, ठंडा ठंडा मौसम। ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है, वाह ज़बरदस्त। हेलो से हेलो, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, जिन्होंने अभी भी चैनल को ज्वाइन किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, अच्छा मौसम है। ये देखें फ्रेंड्स, ये पूरा आगे जो है ना नाले का पानी जो है पूरा फट गया है, ये आगे से गुजर रहा है, दरिया की तरह बह रहा है नाले का पानी। ये हाल है, अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। ये तो तकरीबन कराची के जो है हर ही शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान का यही हाल होता है। ये मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। वो मैंने बता दी है, ये हाल है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी हुकूमत की, के घरों के आगे से ये नाला बह रहा है, पूरा घर के आगे से आप देखें नाला कैसा बह रहा है। तो आप ये देखें हालत पूरी, इस पर जो है पूरा नाला आगे से घर के आगे से बह रहा है। ये कराची का एरिया है, ये एरिया का नाम मैं नहीं बता सकता मैं, लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके, इस वजह से मच्छर भी पैदा होते हैं, बीमारियां भी होती हैं बहुत सारी, इसी गंदगी की वजह से बच्चे बीमार होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। ये देखें पूरी दोनों साइड से देखें आप क्या हालत है।